हे एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्यूमनिया। तो आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जेलसीमियम का ट्रिक बनाने वाले हैं। तो जेलसीमियम को हम लोग याद करेंगे जेल से, ठीक है। और इसका कॉमन नेम तो बहुत इजी है याद करना, येलो जैस्मिन। येलो जैस्मिन पता ही है हम लोग को, ठीक है। तो जेलसीमियम को हम लोग कैसे याद करेंगे, जेल से। और इसका फैमिली क्या है, लॉगिनियेसी, मीन्स लॉन्ग टाइम से जेल में है, तो लॉगिनियेसी हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम से जेल में है लॉगिनियेसी। तो अगर वो कोई इंसान बहुत दिन तक जेल में रहेगा तो कैसे होगा, हिस्टेरिकल टेम्परामेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा वो, हिस्टेरिकल मीन्स पागल टाइप का हो जाना, ठीक है। मेंटल में क्या हम लोग को याद करना है कि अगर कोई बहुत दिन से जेल में है तब उसको क्या होगा, अकेला रहना ही पसंद होगा, डिज़ायर टू बी क्वाइट, टू बी अलोन। इवन उसको अगर कोई उसके सामने शांति से भी बैठा हुआ तो वो भी उसको पसंद नहीं है। हैव एनी वन नियर हर और इवन इन द पर्सन बी साइलेंट, अगर वो शांत भी है फिर भी उसको पसंद नहीं है, ठीक है। अगर वो इतना दिन से, और फिर नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया, उसके बाद फिर क्या, अगर कोई इतना दिन से जेल में है तो अब उसको बाहर जाने से भी डर लगेगा, तो एंटिसिपेशन हो जाएगा फ्रॉम कहीं भी बाहर जाने से, उसको क्या हो जाता है, उसके कारण डायरिया होने लगता है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या था कि अब उसको इतना ज़्यादा दिन, इतने लंबे टाइम से वो जेल में है कि अब उसको अकेला रहना पसंद है, अब उसको बाहर जाने से डर लगता है, बाहर जाने से उसको क्या हो जाता है, डायरिया जैसा लगता है, और अब उसको क्या, फियर ऑफ डेथ भी है, अब लगता है कहीं वो मर ना जाए इतना दिन से वो अगर जेल में है, ठीक है। और फिर उसको क्या, बैड इफ़ेक्ट, अब उसको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे बैड इफ़ेक्ट ऑफ द फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़ और द सडन इमोशंस, कुछ भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिजिकल में इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ है बस, क्या है कि अब वो इतना ज़्यादा काल कोठरी में रहा है ना, काल कोठरी मीन्स काल कोठरी में रहा है जो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा होता है, तो अब उसको क्या होगा कि ग्रेट डिप्रेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन और समर, मीन्स थोड़ा सा भी सन का रोशनी या फिर समर वो नहीं सह सकता है, ठीक है। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, अब ऑफकोर्स कोई काल कोठरी में रहा है इतना दिन तक, ना उसको सूरज मिला है, ना वो कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, तो फिजिकल अब उसका कैसा हो गया, बहुत दिन से काल कोठरी में, तो अब उसको सन से भी प्रॉब्लम होगा, उसका बॉडी पार्ट पूरा वीक हो गया, तो इसी कारण क्या होगा, वीकनेस एंड द ट्रेम्बलिंग ऑफ द टंग, हैंड, लेग्स और द इंटायर बॉडी, सब जगह से ट्रेम्बलिंग होगा। और जेलसीमियम जो है वो गुड मेडिसिन है, तो हेडेक, वटाइगो, ये सब के लिए। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, वटाइगो है, हेडेक है, ठीक है। तो वटाइगो में कैसा हम लोग होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है वो ऑसिपोड से, और हेडेक कैसा होता है, सॉरी, वटाइगो में क्या है, स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑसिपोड है, और कैसा है, बिगनिंग फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन। तो याद करने का कैसा ट्रिक है कि वटाइगो में क्या ओ आता है लास्ट में, तो ऑसिपोट हो जाएगा, और हेडेक में क्या है, ए, हेडेक में क्या आता है लास्ट में, सी ई आता है, तो सर्वाइकल स्पाइन से होता है, ठीक है। और दोनों में ही आई से रिलेटेड सिम्टम्स है, वटाइगो में क्या है कि डिम विजन है, डिप्लोपिया है, डिप्लोपिया मीन्स क्या, दो दो दिखेगा, ठीक है, हर चीज़ आपको दो दो दिखेगा, ठीक है। तो डिप्लोपिया हो गया, डिम विजन हो गया, लॉस ऑफ साइट हो गया, तो हेडेक में भी तो दिया हुआ था ना, हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, ठीक है, हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस भी है। और वटाइगो में क्या होता है, चक्कर सा आता है ना, तो चक्कर सा आता है तो सब लड़खड़ा के चलेगा, तो ऐसा उस जेल से आया हुआ इंसान को तो सब बुरा बुरा ही सोचेगा ना, तो ऐसा लगेगा देखो ना कैसा नशेड़ी जैसा चल रहा है। तो वह सेम्स इंटॉक्सिकेटेड वन ट्राइंग टू मूव, जब वो, क्योंकि उसका ट्रेम्बलिंग भी है, वीकनेस है, ट्रेम्बलिंग है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी है, तो जब वो चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, तो ऐसा कैसा लगेगा कि सेम्स एज इंटॉक्सिकेटेड, मतलब सर कुछ दारू रू पिया हुआ है, ठीक है। तो वटाइगो भी क्या, वटाइगो कहाँ से स्टार्ट था, स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपोड, ठीक है। वटाइगो उसका हेडेक कहाँ, हेडेक जो है वो प्रिसीडिंग विथ ब्लाइंडनेस है, हेडेक कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होगा, उसके बाद पूरे हेड में आएगा, और कैसा सेंसेशन होगा, बस्टिंग सेंसेशन होगा, बस्टिंग सेंसेशन ऑफ द फोरहेड और द आई। और सेम वही हेडेक जैसा जनरली होता है कि मेंटल एग्जर्शन से बढ़ता है, ठीक है। अब उसको जेलसीमियम का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसको हेडेक किसे कैसे होता है, स्मोकिंग होगा, उसको सामने स्मोक कर रहा है तब होगा, सन से तो उसको प्रॉब्लम था ही, और लाइंग द हेड लो इससे उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सेंसेशन कैसा है उसका, हाँ पहले आई का याद करना इंपॉर्टेंट है कि आई में उसको कैसा था, नशेड़ी टाइप्स था ना, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, तो कैसा होगा, ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आई लिड, कैन नॉट कीप देम ओपन, उसको इतना पूरा आई लिड हैवीनेस सा फील होता है, उसको खुला नहीं रख सकता है, तो कैसा, बैंड जैसा से, बैंड से बांध के रखेगा ना ताकि आँख खुला रहे, क्योंकि आई लिड तो उसको इतना हैवी लग रहा है, तो सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव द आईज़,
ठीक है, क्या अराउंड द हेड करेगा और अबव द आइज करेगा, तभी तो आँख को पकड़ के रखेगा ना। तो ये हो गया हेडेक में, ठीक है। सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड द हेड अबव द आइज, ठीक है। ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड एंड कैन नॉट कीप दैम ओपन, ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब वो जेल का था, तो जेल से अगर कोई भाग रहा होगा तो एकदम दिल हाथ में लेके भागेगा ना, कि अगर रुकेंगे तो मरेंगे, रुकेंगे तो मरेंगे, ऐसे टाइप का लेकर कोई जेल से भागेगा ना। तो फियर दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज मूव सीज मूव बीटिंग, मतलब जब तक वो मूव कर रहा तब तक उसका दिल धड़केगा, अगर वो रुक गया तो उसका दिल धड़कना रुक जाएगा, जो कि जस्ट इसका रिवर्स है डिजिटेलिस में। जैसे फियर्स एज ए फुट सीज बीटिंग इफ सी मूव्स, उसको लगता है अगर हम मूव करेंगे तो मेरा दिल धड़कना रुक जाएगा, ठीक है। और उसमें कैसा है पल्स, कैसा होगा स्लो पल्स ऑफ अ ओल्ड एज, मीन्स धीरे 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 वो जेल में रहते रहते मर ही जाएगा, तो स्लो पल्स धीरे धीरे स्लो ओल्ड एज होते होते उसका पल्स पूरा स्लो हो जाएगा, वो मर जाएगा। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये तीनों चीज़ हम लोग का को रिलेटेड है, ये तीनों चीज़, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ट्रेमलिंग है तो मसल्स कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, तभी तो उसका ट्रेमलिंग है ना। लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन और कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड द प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मसल्स, तो ये दोनों लाइन कैसे होगा, लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन, अगर ये दोनों हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि चलो उसको अगर इतना कुछ प्रॉब्लम है उसके मसल्स में, तो हम लोग कुछ उसको बाम वाम लगा देते हैं स्पाइन में, मसाज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बाम लगाते तो कैसे ठंडा ठंडा सा फील होता है ना हम लोग को, तो चिल विदाउट थर्स्ट मीन्स उसको एकदम ठंडा सा फील होगा, बट उसको फीवर में, ये चीज़ तो फीवर में ही है ना, फीवर में कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जलसीमियम को क्या होता है, क्योंकि जलसीमियम इज़ अ थर्स्टलेस रेमेडी ना, क्योंकि वो ये जो गैप करके जो ट्रिक है उसी में आता है जलसीमियम पल्सेटिला, तो ये क्या थर्सलेस रेमेडी है। तो चिल विदाउट थर्स्ट स्पेशली अलॉन्ग द स्पाइन रनिंग अप एंड डाउन द बैक, मतलब ऐसा ऐसा फील कीजिए कि कोई मसाज कर रहा है, क्योंकि क्यों मसाज किया जा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन है, कंप्लीट रिलैक्सेशन है, ठीक है। वेव लाइक सेंसेशन फ्रॉम द सैक्रम टू द ऑसिपिट, मीन्स पूरे बैक में उसको मसाज किया जा रहा है ऊपर नीचे। एग्रवेशन कैसा है, डैम्प वेदर से बिफोर थंडर स्टॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जलसीमियम को कब प्रॉब्लम होता है, थंडर स्टॉर्म से पहले इसको डर लगता है, ठीक कि ऑफ कोर्स अगर वो एकदम पूरा काल कोठरी के अंदर है और उसको वहाँ पे थंडर हो रहा है तो उसको तो डर लगेगा ही, कि कोई तो उसके पास है भी नहीं। मेंटल इमोशंस, मेंटल एक्जर्शंस, बैड न्यूज़, टबैको स्मोकिंग, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, मतलब अगर बहुत किसी का होता है ना कि अपने कंप्लेन के बारे में सोच सोच के उसका ठीक होता है, बट इसमें क्या कि अपने कंप्लेन के बारे में सोचेगा तो उसका बढ़ेगा और कष्ट, मतलब जेल में अगर अपने बारे में सोचेगा तो और ज़्यादा ब्रूडिंग होगा उसके अंदर में, या फिर अगर अपने लॉस के बारे में बात करेगा तो उसको और ज़्यादा दुख होगा, और उसी तरह क्या टबैको स्मोकिंग से भी उसको एग्रवेशन है।